आप जो कमेंट्स से आपका नाम आया है, अब आप क्या मानते हैं कि किस तरह से आपका नाम आया है, क्या आपका लक्ष्य था, किस तरह से आपने तैयारी करी थी इसमें? तैयारी ऐसी करी थी, सिर्फ स्कूल आते थे, उस बाद कोचिंग जाते थे, घर पे सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर दिया था, उस वजह से। कैसा लग रहा है आपको आप टॉपर में? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं थर्ड रैंक गई हूँ, बहुत मामूली बात तो है नहीं। बहुत खुश, टीचर्स से आपको बहुत थैंक यू देना चाहूँगी मैं, सब उनकी वजह से ही हुआ। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? सेल्फ स्टडी मतलब 6 से 7 घंटे दिन में हो जाती थी। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? हमारे मतलब पूरे टीचर स्टाफ को, खासकर क्लास टीचर मौके पर सर और प्रिंसिपल मैम। अब आगे आगे क्या लक्ष्य था आपने, आगे क्या बनना है आपको? एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर आई वांट टू विश। आपका नाम? युक्ता चौधरी। क्या करना चाहते हैं? मुझे IIT क्लियर करना है। तो कितने घंटे आप लगभग पढ़े? 6 घंटे डेली, सुबह शाम को रात को भी। और बच्चे को मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे फ्रेंड सर्कल में भी अपन जा सकते हैं, बिकॉज जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो उससे सबके व्यूज सामने आते हैं, तो अपने को उससे और आइडियाज मिलते हैं, और साथ ही सेल्फ स्टडी तो करना ज़रूरी है। बेटे घर घर में टीवी होता है, ये आप साधक कैसी बनाते हो कि परिवार देख रहा है? मेरे घर पे टीवी नहीं है। क्या लक्ष्य आपका आगे? क्या पापा क्या करते हैं बेटा आपके? LIC। क्या नाम है? दौलत सिंह सोलंकी। ठीक ठीक। और आज आपका मध्य प्रदेश में टॉप 10 में नंबर आया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं उत्तर विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, तो बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं 90 नंबर पर आ गया। क्या मानते हैं कि आप ग्रामीण प्रदेश से हो, गांव में दिक्कत भी आती पढ़ने में, फिर भी आप मेहनत करके आ जाते हैं? मैं तो यहाँ अंकल के साथ रहता हूँ, देवास में रहता हूँ, यहीं से पढ़ाई करता हूँ। आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? डेली रोज पढ़ाई करता हूँ, 1-2 घंटे। 1-2 घंटे। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? हाँ, कुछ वो खुद रोज मेहनत करते रहते हैं तो अच्छे परसेंटेज मिल जाते हैं। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आज जो आपका डिवीजन बना है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? सबको, परिवार वालों को, अंकल आंटी पापा मम्मी सबको, और टीचर्स को भी। क्या लक्ष्य आ गया आपका करने का और क्या बनने का? आगे 11th में मैथ लेना है और नेवी ज्वाइन करनी है। क्या नाम आपका? क्या नाम? युवराज सिंह। मैडम, आज उत्कर्ष विद्यालय कहीं ना कहीं बच्चों ने ग्रेड में स्थान प्राप्त किया है, कौन सा नंबर इन बच्चों का लगा स्टेट और जिले में? आज माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें 3रा स्थान विद्यालय की छात्रा का लगा है, 5वें स्थान पर भी विद्यालय की छात्रा है, 7वां स्थान और 9वें स्थान पर भी 3 छात्र छात्राओं ने स्थान प्राप्त किया है। मैम, क्या मानते हैं जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में, फिर भी सरकारी स्कूल के बच्चे आज टॉप में आ रहे हैं, ये हमारा एक भ्रम है और वर्षों से एक धारणा चली आ रही है, क्योंकि पूर्व में सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, तो एक पेरेंट्स के अंदर भी ये भावना थी कि प्राइवेट स्कूल अच्छा पढ़ाते हैं,
परंतु आज वर्षों से जो हम रिजल्ट दे रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों से हम ज़्यादा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर रहे हैं। जिसने इस मिथ्या को तोड़ा है कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत योग्य शिक्षक हैं और बहुत ही कमिटमेंट के साथ में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये एक मिथक है। सालों से गवर्नमेंट स्कूल 2012 से ही हम उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करते आ रहे हैं और ये इस बात को सिद्ध करता है कि गवर्नमेंट स्कूल अभी भी बहुत अच्छी पोजीशन में है और अच्छा परिणाम दे सकता है। इसको कितने बच्चों ने प्रदेश की सूची में स्थान प्राप्त किया और जिले की कौन से सूची में स्थान प्राप्त किया? क्योंकि प्रदेश मेरिट में उत्कृष्ट विद्यालय के 6 छात्रों ने स्थान प्राप्त किया है, क्रमशः 3रा 5वा 7वा और 9वें नंबर पर 3 छात्र। बताइए सर, आज बच्चे मेरिट में आए क्या कहना चाहिए? देवास जिला हमेशा फर्स्ट सेकंड पर रहा है, इस बार देवास जिले का 10th का जो रिजल्ट है सेकंड रहा हमारा और हमारे 9 बच्चे जिले के जो है मेरिट सूची में आए हैं और ये सभी बच्चों की मेहनत और स्कूल के प्राचार्यों की मेहनत है कि जो बच्चों को इस तरीके से पढ़ा के अच्छे से करके उनको भविष्य सुधारने का काम कर रहे हैं। मैं सभी की शुभकामना देता हूँ। सर, प्रदेश की सूची में कितने बच्चों का नाम आया और जिले की प्रदेश सूची में कौन कौन से बच्चे? अपने प्रदेश के 9 बच्चे टॉप मेरिट की सूची में आए हैं। दस बच्चे हैं और 6 एक्सीलेंस स्कूल के हैं जो खाली, और टोटल 78% का रिजल्ट हाई स्कूल का रहा है हमारे जिले का।